अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। आज ईद है और आज सना सकुरा किचन में बहुत ही मज़ेदार फिरनी बनने जा रही है। और ये क्रीमी फिरनी कैसे बनेगी तो ये हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू होगा तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, अब ये गर्म हो गया है सही तरह से। ये फुल क्रीम दूध था तो इसमें अब हम डालेंगे इलायची दाना। इलायची दाने से इसमें बहुत मज़ेदार सी खुशबू आएगी। ये इलायची के दाने मैंने निकाल लिए थे, ये इसमें शामिल करूँगी। और इसमें चावल का आटा जाएगा, बारीक पिसा हुआ चावल का आटा जाएगा, ये इसमें हम डालेंगे। और हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और साथ में जो है ना उसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो ये थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, ये एक साथ नहीं डालेंगे वरना गुठलियाँ बन जाएंगी इसकी। तो इसको मिक्स करते जाएंगे और इसी से पकते पकते इसे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही खीर गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया, अब हम चम्मच चलाएंगे और ये देखिएगा ये थोड़ी देर 5-10 मिनट पकाएंगे और ये गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा वेट करिएगा, ये गाढ़ा हो गया। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क का एक टिन जो है वो शामिल करेंगे, चीनी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रीमी फिरनी बन रही है तो बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी रिच टेक्सचर आएगा इसका। ये हमने पूरा टिन इसमें शामिल कर दिया, अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और चावल भी फूल रहे हैं जिसकी वजह से ये गाढ़ी भी होना शुरू हो गई है, काफ़ी गाढ़ी हो गई है। ये बहुत आसान और झटपट सी रेसिपी है। अब इसमें एक चीज़ और शामिल करते हैं, इसमें हम डालेंगे खोया। खोया जो है ये और मज़ेदार इसको बना देगा, इसमें खोया चला जाएगा और इसको हम मिक्स करेंगे। खोए के साथ इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाएगा। इसमें हमने कंडेंस मिल्क डाला है, खोया डाला है, उससे और मज़ेदार हो जाएगा ये। ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है, अब इसमें केवड़ा एसेंस जो है वो डालेंगे जिससे इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी। और कुछ नट्स मैं इसके अंदर डालूँगी और कुछ मैं बचा लूँगी ऊपर से डालने के लिए। और चूल्हा बंद कर देंगे, इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे ठंडा करने के लिए और फिर इसको बॉल में निकालेंगे। और ये इसका टेक्सचर जो है ये इस तरह से होना चाहिए चम्मच के ऊपर ठहरता हुआ, तो फिर ये ठंडी होके और गाढ़ी हो जाएगी और मज़ेदार हो जाएगी। अब हम इसको नीचे उतारते हैं और बॉल में निकाल लेते हैं। ये हमने कुछ खीर जो थी वो बॉल में निकाल लिया, ये इस तरह से ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाती है तो ये बहुत ही मज़ेदार सी फिरनी तैयार हो गई है। तो अब हम चलते हैं लिटिल मास्टर और लिटिल शेफ़ को टेस्ट कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसी बनी है। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन। चलते हैं लिटिल मास्टर के पास। ये अब लिटिल मास्टर, लिटिल शेफ़ और मोहम्मद इर्तज़ा है, इनको टेस्ट करवाते हैं। और सबसे पहले बच्चों को हम लाजमी जो भी चीज़ आए वो देते हैं क्योंकि ये हमारी सुन्नत भी है। और इनसे पूछते हैं कि कैसी बनी है और इनको टेस्ट करवाते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी फिरनी तैयार हुई है, ये देखें आप, फुल क्रीम जो है ना वो है। तो अब ये खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बच्चे बड़े मज़े से खा रहे हैं और इनसे अभी हम पूछेंगे कि ये कैसी बनी है। मज़े ले रहे हैं सब बच्चे, बहुत मज़े मज़े से खा रहे हैं मीठी मीठी खीर। कैसी बनी है? मुझे